हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं ई टैब्स ट्यूटोरियल सीरीज। और आज की वीडियो में हम जानेंगे सीज़मिक डायनेमिक एनालिसिस। लास्ट वीडियो जो अपलोड की थी उसमें सीज़मिक स्टैटिक एनालिसिस था, आज की वीडियो में हम जानेंगे सीज़मिक डायनेमिक एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सीज़मिक डायनेमिक एनालिसिस होता क्या है। इसको हम रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस भी बोलते हैं, रिस्पांस स्पेक्ट्रम। रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस तो ये होता क्या है, रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस। रिस्पांस मीन्स बिल्डिंग का या आपके स्ट्रक्चर का क्या रिस्पॉन्स है। स्पेक्ट्रम मीन्स उसके ग्राफ। एनालिसिस अंडर सीज़मिक लोड यानी कि जब ग्राउंड आपका मोशन कर रहा है, ये देखिए आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, और ये ग्राउंड एक्सेलरेशन है। हम ग्राउंड का जो मेजर करते हैं वो एक्सेलरेशन करते हैं। ये ग्राउंड ऐसे ऐसे आपका एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो जब ग्राउंड ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है तो हमारे बिल्डिंग का मैक्सिमम क्या रिस्पांस है, ठीक है। रिस्पांस में अब क्या आता है आपका, जैसे हमने स्टैटिक में हमने क्या रिस्पांस निकाला था, जब ग्राउंड एक्सेलरेट हो रहा था हमने निकाला था कि हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने कितने डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। ये था स्टैटिक में। अब डायनेमिक में हम क्या निकालेंगे कि बिल्डिंग किस तरह से, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ, ये बहुत सिंपल वर्ड्स में कि बिल्डिंग हमारी किस तरह से वाइब्रेट करेगी। जब ग्राउंड वाइब्रेट कर रहा है तो बिल्डिंग किस तरह से वाइब्रेट करेगी, उसके पैटर्न क्या होंगे, जिनको बोलते हैं मोड शेप, यानी कि किस किस पैटर्न में बिल्डिंग हो सकता है। भाई हमारी बिल्डिंग एक लाइन मान लीजिए, इस बिल्डिंग को एक लाइन है ये, ठीक है, ये फिक्स सपोर्ट है, तो हो सकता है ये ऐसे कर रही हो बिल्डिंग, ऐसे वाइब्रेट हो सकता है, बिल्डिंग आपकी ऐसे वाइब्रेट कर रही हो, है ना, और हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ वाइब्रेशन का। तो जो वाइब्रेशन पैटर्न है आपका, इनको बोलते हैं हम मोड शेप। अब हर एक पैटर्न का अपनी एक फ्रिक्वेंसी होगी, एक टाइम पीरियड होगा, है ना भाई। कोई भी चीज़ मूव कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी होगी। फ्रिक्वेंसी यानी कि एक साइकिल कितने सेकंड में लगा रहे हैं, साइकिल पर सेकंड, और आपका टाइम पीरियड होगा, है ना, एक सेकंड में कितने साइकिल लगा रहे हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड होगा उसका, प्लस कितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है हमारा उस वाइब्रेशन उस मोड में, ठीक है। तो हमारा कितना होना चाहिए, वही मैक्सिमम रिस्पांस निकाल रहे हैं ना, तो मैक्सिमम हमारा पूरा मास पूरा का पूरा ही हमारा पार्टिसिपेट होना चाहिए उसमें, उस वाइब्रेशन में। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पैटर्न है, हमें कौन वहाँ तक एनालाइज करना होता है जिस पैटर्न तक हमारा मास जो है फुल पार्टिसिपेट कर रहा है, फुल मतलब कि 100% ना हो, 90% हो, है ना, 95-98% हो, तो किस पैटर्न तक, किस मोड तक हमारा, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। ये होता है आपका रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस और डायनामिक एनालिसिस। इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिटेल है, एक एक चीज़ के लिए एक एक वीडियो बन सकती है इसमें। अब जब रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस करेंगे तो उसमें जो चीज़ें आएंगी, पैटर्न मतलब कि टर्म्स आएंगे, उनके एक एक टर्म्स के ऊपर एक एक वीडियो बन सकती है, वो इस तरह से है। लेकिन हम सिंपली एक रिस्पांस स्पेक्ट्रम एनालिसिस करेंगे एक बिल्डिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में मैंने ये मॉडल बनाया था, ठीक है, इसमें हमने स्टैटिक एनालिसिस किया था और इसके रिजल्ट भी आ रहे होंगे, मैं एनालाइज कर देता हूँ। यहाँ पे हमने डिस्प्ले में जाके देखा था, लैटरल फोर्स, ठीक है, ये आ गए थे यहाँ पे, हमने देखा था, ये जो हमारी एक बुक में प्रॉब्लम थी उससे मैच हो गए, इसी में हम करेंगे। सबसे पहले एक और सवाल है कि हम रिस्पांस स्पेक्ट्रम करते कब है। तो हम रिस्पांस स्पेक्ट्रम करते कब है, जब हम अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 1893-2002 पार्ट वन, उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस स्पेक्ट्रा एनालिसिस और डायनेमिक एनालिसिस करते हैं जब बिल्डिंग की हाइट हमारी 45 मीटर से ऊपर हो, ठीक है।
तो मैं यहाँ लिखता रहता हूँ। कब करते हैं हम डायनेमिक एनालिसिस? जब हमारी हाइट इज ग्रेटर देन 45 मीटर, ठीक है, तब हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो अभी जो सबसे पहले हमें स्टैटिक कंप्यूट कर लिया, लैटरल फोर्स आ गए, डायनेमिक के लिए स्टैटिक भी करना होता है हमें, उसके बाद ही आगे हम डायनेमिक करते हैं। तो स्टैटिक में हमने क्या किया, एक बिल्डिंग बनाई, मास डिफाइन किया, लोड पैटर्न डिफाइन किया सिज्मिक, उसमें हमने जोन, एक्स डायरेक्शन, आई इंपोर्टेंस फैक्टर, रिडक्शन फैक्टर हमने ले लिया। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इसको अनलॉक कर देता हूँ। सबसे पहले आपको डिफाइन करना होता है फंक्शन। भाई सबसे पहले हमें डिफाइन करना होगा कि देखिए जो स्टैटिक में था, ध्यान से डिफरेंस देखिए, स्टैटिक एनालिसिस में बिल्डिंग के खुद के वेट की वजह से जो हॉरिजॉन्टल फोर्स आ रहे थे वो हमने कैलकुलेट किए थे। क्या कितना भी बिल्डिंग वाइब्रेट करे, हॉरिजॉन्टल फोर्स उतने ही डेवलप होंगे, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं बिल्डिंग की हाइट एंड बिल्डिंग की हाइट और बिल्डिंग के मास। ठीक है, तो जो चीज़ अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो हमने स्टैटिक में इसलिए नहीं की थी क्योंकि लैटरल फोर्स कितना भी बिल्डिंग वाइब्रेट करे उतने ही होंगे, क्योंकि डिपेंड करता है बिल्डिंग की हाइट और मास में। बिल्डिंग की हाइट बढ़ेगी और मास बढ़ेगा तो लैटरल फोर्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप होता है आपका डायनेमिक में एक फंक्शन डिफाइन करना होता है, यानी कि ग्राउंड को एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन पर डिफाइन कर रहा है तो ग्राउंड को एक्सेलरेशन के कितना ग्राउंड वाइब्रेट कर रहा है वो डिफाइन करना होगा हमने इस बिल्डिंग के लिए। तो सबसे पहले जाएंगे डिफाइन फंक्शन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, इस पर क्लिक किया हमने और एड न्यू फंक्शन कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट इसको क्लोज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंडियन कोड, या अमेरिकन कोड है, इंडियन कोड सेलेक्ट कर लेते हैं 1893-2002। अब एड न्यू करते हैं। ठीक है, देखिए इस फंक्शन का नाम डाल देते हैं हम इंडियन कोड, इसलिए ISRSP रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम। ठीक है, टाइटल डैम्पिंग रेशियो कंक्रीट का बताया था 5% होता है। ठीक है, जोन 5 है हमारा और सॉइल मीडियम 2 है। तो देखिए यहाँ पे टेबल आ रही है डाटा, ये डाटा क्या है, पीरियड यानी कि टाइम सेकंड्स में और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, सॉइल और डैम्पिंग पे। देखिए जैसे मैं सॉइल चेंज करता हूँ तो ये वैल्यू सारी चेंज हो जाएंगी, देखिए हो गई है ना। तो सॉइल पे डिपेंड करता है कि उस ग्राउंड का वाइब्रेशन कैसा होगा, उस टाइम पीरियड वर्सेस एक्सेलरेशन का ग्राफ ये बना हुआ है वो कैसा होगा, किस फॉर्म में देखना चाहते हो, या अलग अलग मैथमेटिकल चीज़ें कि इस ग्राफ को किस फॉर्म में लेना चाहते हो, तो इन दोनों चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये एक्सेलरेशन जो है ये हम इस बिल्डिंग को दे रहे हैं। ये जो डाटा है ना, इसका एक फंक्शन बनाया, इसका टाइटल ये है, किसको दे रहे हैं हम, इस बिल्डिंग को। फिर इस बिल्डिंग का मैक्सिमम रिस्पॉन्स कैलकुलेट करेंगे जो मैंने बताया। ठीक है, तो मैं इसे ओके कर देता हूँ। ISRSP ये आ गया देखिए लिस्ट में, इनको डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हमारा ISRSP है, ओके कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका होता है लोड पैटर्न, जो आप स्टैटिक में करते थे, जो मैंने पहले से किया हुआ है, लास्ट वीडियो में मैंने किया था। देखिए लोड पैटर्न, हमने एक सिज्मिक EQX हमने डिफाइन किया था, टाइप सिज्मिक, सेल्फ वेट मल्टीप्लायर 0 और IS कोड, और जब हमने इसको मॉडिफाई कर रहा था तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन, अभी हम सार देखिए क्योंकि हमारी बिल्डिंग सिमेट्रिक है, हमारी बिल्डिंग कैसी, एक बॉक्स टाइप है ऐसे, तो जो रिजल्ट एक्स में आएंगे वही हमारे रिजल्ट वाई में आएंगे, तो इसलिए हम सारे रिजल्ट एक्स में ही चेक कर रहे हैं क्योंकि सेम वाई में आएंगे। इरेगुलर बिल्डिंग होती है तो एक्स वाई दोनों में चेक करते हैं। तो ये हमारी देखिए सारी चीज़ें 1.52, ये सब डाटा हमने फिल किया था लास्ट वीडियो। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिए, क्योंकि अगर लास्ट वीडियो को भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा मर्ज और वीडियो भी लंबी बन जाएगी। तो इससे पहले वाली वीडियो स्टैटिक की देख लीजिए, फिर इसके बाद ये बहुत सही समझ में आएगा आपको। तो ये हमने डाटा प्रोवाइड किया था। ठीक है, ओके कर दे लोड पैटर्न। तो फर्स्ट स्टेप फंक्शन बनाया हमने ISRSP, सेकेंड स्टेप हमने लोड पैटर्न दिया, थर्ड स्टेप है लोड केस, तो डिफाइन लोड केस। ठीक है, ये एक लोड केस में डिफाइन किया था मैंने, वीडियो बनाने से पहले चेक किया था सॉफ्टवेयर काम कर रहा है नहीं कर रहा, इसको डिलीट कर देते हैं। तो डेड लोड, लाइव लोड और स्टैटिक का EQX तो हमारे पास है, एक लोड केस डिफाइन करते हैं हम, जिसका टाइटल डालते हैं X, RSP X।
रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा इन एक्स डायरेक्शन, मैंने ये बताया ब्लिंक सिमेट्री का, तो वाई में भी सेम रिजल्ट आएंगे, तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा इन एक्स, और टाइप क्या होगा इसका, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा। देखिए कितने सारे टाइप आ रहे हैं, एडवांस टाइप हैं, इन एक एक टाइप के ऊपर एक रिसर्च पेपर लिखा जा सकता है, वो सब बताऊंगा मैं, लेकिन आज रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, ठीक है। जैसे ही रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम पर क्लिक किया, एक टेबल आ गई, ठीक है। देखिए हमने रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम टाइप कर लिया, तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हम ग्राउंड को एक्सेलरेशन देते हैं, तो यहाँ पर मैंने ऐड पर क्लिक किया, ठीक है, क्या दे रहे ग्राउंड को, एक्सेलरेशन, यहाँ सेलेक्ट एक्सेलरेशन कर लिया, यू वन का मतलब एक्स, यू टू का मतलब वाई, यू थ्री का मतलब है जेड, और आर वन आर टू रोटेशन है, तो हम एक्स डायरेक्शन में ग्राउंड को हम वाइब्रेट कर रहे हैं, है ना, ग्राउंड को हम वाइब्रेट कर रहे हैं, एक्स में तो यू वन ले लिया हमने। फंक्शन क्या कौन सा था हमारा, आई एस आर एस पी ये था ना, ये डिफाइन किया था, जिसके अंदर हमारा टाइम पीरियड एक्सेलरेशन था, भाई एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन दे रहे हैं, डाटा कहाँ से लेंगे कि कैसे वाइब्रेट करेगा, जो हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब बात करते हैं इस फैक्टर की, देखिए कोड के अकॉर्डिंग ये फैक्टर जो है, इसके फैक्टर्स का निकालने का एक फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आई, यानी कि पोटेंस फैक्टर मल्टीप्लाई बाय जी और डिवाइड बाय आर, रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। तो हमारा आई कितना है 1.5 और जी हमारी ये वैल्यू है, ठीक है, डिवाइड बाय रिस्पॉन्स फैक्टर था हमारा 5 रिडक्शन फैक्टर, तो हम देख लेते हैं कितना आता है, तो आई है हमारा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 9806.65, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, एंड और डिवाइड बाई 5, तो कितना आ रहा है 2942 कर लेते हैं, 2942, तो ये स्केल कितना आ गया 2942, ठीक है। अब देखिए मॉडल है, मॉडल एनालिसिस है, और सी क्यू है, देखिए डायनेमिक एनालिसिस के बहुत सारे मेथड है, जो अभी तक जो बेस्ट मेथड माना जाता है वो सी क्यू सी है, कंप्लीट क्वाड्रेटिक कॉम्बिनेशन है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया है, बताया ना मैंने एक चीज़ के ऊपर एक वीडियो बन सकती है, अभी बस ये कि एक मेथड है बेस्ट, और भी मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड ये है, और हमने यहाँ पे भी सी क्यू सी कर लिया और ओके कर दिया, ठीक है, ये आ गया आपका आर एस पी एक्स, ओके कर दिया, बस अब एनालिसिस करके रिजल्ट चेक करने। तो रिजल्ट में मैंने क्या कहा था, एक तो कहा था किस किस तरह से हमारी बिल्डिंग वाइब्रेट करती है, मोड जो आएंगे किस किस पैटर्न में, एक हमारा कि मास कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, हम कितना चाहते हैं पार्टिसिपेट मास, लगभग 100% हो तो अच्छा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोड शेप, ठीक है, तो मैं गया यहाँ पे डिफॉर्मेशन पे, डिफॉर्मेशन का बटन है, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया मोड, ठीक है, देखिए मोड 1 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ओके कर दिया, यहाँ पे कंटूर भी डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि स्ट्रेसेस दिखाएगा कलरफुल, ओके कर देते हैं, ये रहा। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए जो टाइटल है इस व्यू का क्या लिखा हुआ है, मोड 1, एंड जिसका मोड 1 का टाइम पीरियड कितना है 1.066 सेकेंड, ठीक है, 1.066 सेकेंड, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। अब इसे हम एनिमेट करके देखते हैं यहाँ से, तो फर्स्ट मोड ये है आपका, यानी कि फर्स्ट मोड में टाइम पीरियड ये और वाइब्रेट बिल्डिंग ऐसे करेगी। अब सेकंड मोड देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके देखिए, यहाँ पे आके सेकंड मोड टाइम पीरियड सेकंड मोड का ये है, यानी कि इस तरह से भी हमारी बिल्डिंग वाइब्रेट कर सकती है, जिसका टाइम पीरियड 0.31 सेकेंड है यहाँ पे। नेक्स्ट इस एरो पे क्लिक करता हूँ मैं, एक टाइम पीरियड ये है देखिए, सॉरी मोड शेप, इस तरह से भी हमारी बिल्डिंग वाइब्रेट कर सकती है, टाइम पीरियड भी इसके लिखा हुआ है। नेक्स्ट फोर्थ ये है हमारा, देखिए इसमें तो टॉर्जन डेवलप हो रही है। फिफ्थ ये है, देखिए हर हर फ्लोर पर अलग अलग, एक देखिए ये है मोड शेप, सिक्स मोड शेप ये है, सेवन्थ मोड शेप देखिए किस तरह से, इस तरह से इसमें लगभग 12 मोड शेप होंगे, ठीक है। और हमें कितने मोड शेप चाहिए, अब ये बात आती है कि कितने मोड शेप में हमें करना है, हमें उतने मोड शेप तक एनालाइज करना है जितने पे हमारा मास जो है बिल्डिंग का वेट जो है वो तो पार्टिसिपेट 100% करे लगभग। तो देखिए अब ये कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले देखिए इसे अनलॉक कीजिए, फिर डिफाइन में जाइए मॉडल केस, ठीक है, और ये जो पहले से मॉडल है इसको मॉडिफाई कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 50 मोड, मैं सबसे पहले करता हूँ 10, ठीक है,
और 10 मोड पे मैंने ओके कर दिया। अब मैं एनालिसिस कर देता हूँ इसको। ये तो आपने देख लिया है कि किस किस पैटर्न में ये वाइब्रेट करेगी, उसका टाइम पीरियड। सेकंड क्या देखना है, मास कितना पार्टिसिपेट करता है। तो हमने गए डिस्प्ले में, शो टेबल, और यहाँ पे जाना है इसको, सबको एक मिनट वो कर लेना। सबसे पहले जाना है एनालिसिस, एनालिसिस के अंदर जाना होता है रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर जाना होता है मॉडल रिजल्ट, मॉडल रिजल्ट में आपको क्लिक करना है इस पर, मॉडल पार्टिसिपेटिंग मास रेशियो, ठीक है, ओके कर दिया। ये टेबल आ गए नीचे, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको मॉडल पार्टिसिपेटिंग मास रेशियो, ठीक है। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, हमें देखना होता है कि एक्स की बात हो रही है एक्स डायरेक्शन में, तो हमें देखना है सम आर एक्स, ये आपका दिया हुआ है कितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए 5% कर रहा है आपका, कौन से मोड में, मोड नंबर 1 में, ठीक है। ये मैक्सिमम 100 होना चाहिए, और हमने 82% यहाँ पे देखिए 82% पार्टिसिपेट कर रहा है हमारा मोड 10 में। तो हम थोड़े से मोड और बढ़ाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इसे अनलॉक किया और डिफाइन मॉडल एन केस में मॉडिफाई, और इसको मोड्स को कर देते 20 मोड्स, और फिर एनालिसिस कर देते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं डिस्प्ले में जाके शो टेबल और सब कुछ सिलेक्ट होके कर देते हैं यहाँ पे मास पार्ट्स के। अब देखते हैं सम आर एक्स को चेक करना है, 86% मास पार्टिसिपेट कर रहा है 20 मोड पे। थोड़े से और मोड बढ़ाते हैं हम, अब हम 50 कर लेते हैं या 60 कर लेते हैं, ठीक है, 60 मोड, फिर एनालिसिस करते हैं। फिर हम डिस्प्ले में जाएंगे और टेबल, शो टेबल, ओके, यहाँ पे मास पार्टिसिपेट सम आर एक्स, देखिए 98% कर रहा है आपका 60 मोड पे। तो यहाँ तक हम ले सकते हैं वैल्यू, तो 98% मास हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है 60 नोड पे। देखिए 60 नोड पे कैसे वाइब्रेट कर रही है बिल्डिंग। तो हम इस पर डिफॉर्मेशन में जाएंगे यहाँ से, क्योंकि एरो पे क्लिक करते थक जाएंगे हम। यहाँ पे गए हम और यहाँ मोड पे किया 60 टाइप, ठीक है, और ओके कर दिया और स्टार्ट एनिमेशन। ये है 60 का वाइब्रेशन इस तरह से कर रहा है। इसमें 80% हमारे बिल्डिंग का मास पार्टिसिपेट कर रहा है, देख सकते हो स्लैब इसमें वाइब्रेट हो रही है स्लैब, और सारा मास किसको होता है स्लैब पे कॉन्सेंट्रेट होता है, वो वाइब्रेट कर रही है हमारी, ठीक है। और भी रिजल्ट चेक करते हैं, यहाँ पे क्या क्या रिजल्ट दिया हुआ है समझ लेते हैं, ग्राफ को बड़ा कर लेते हैं। ये तो लेटरल फोर्स है आपका, किस स्टोरी पे कितना लेटरल फोर्स है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखते हैं, ये है आपका डिस्प्ले टाइप। सबसे पहले कह रहा है ऑटो लेटरल लोड डायफ्राम, ठीक है, सीज़मिक की वजह से कोई भी नहीं है, एक ही लोड आ रहा है इस पर। ये कह रहा है लैटरल लोड टू डायफ्राम क्या होती है स्लैब, ठीक है, कुछ नहीं आ रहा है रिजल्ट। हर स्टोरी पे लैटरल फोर्स आ रहा है, सेंटर मास ऑफ डायफ्राम ये भी नहीं दिखा रहा है, ये स्टोरी डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू EQX की वजह से इतना है, और EQ रिस्पॉन्स की वजह से इतना है। ये रेड जो आपको दिखा रहा है वाई, और ये दिखा रहा है एक्स। तो इस तरह से हम यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। स्टोरेज शियर, ये रहा आपका स्टोरेज शियर फोर। अगर ग्राफ से आपको समझ में ना आए तो यहाँ पे इससे एक्सेल शीट देख सकते हो आप कि हर स्टोरेज पे एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स जनरेट हो रहा है, और वाई पे टॉप और बॉटम स्टोरेज पे, ठीक है। तो ये था आपका रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में मेन चीज़ क्या देखी, एक तो कितने मोड्स हम जनरेट कर रहे हैं, उन सब के पैटर्न क्या है वाइब्रेशन का, और फ्रीक्वेंसी क्या है। सेकंड कि हमारा जो मास है बिल्डिंग का वो कितना पार्टिसिपेट कर रहा है किस मोड पे। तो यही है आपका डायनामिक एनालिसिस। एक बार और आपको बता दो कि बहुत ही
बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पर जैसे जैसे धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन करूँगा ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद, एक एक टॉपिक, जैसे कि जो हमने स्केल लिया है वो इक्वेशन कहाँ से आई और वो इतना क्यों लिया, उससे क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है। रिस्पॉन्स फैक्टर में भी लीनियर नॉन लीनियर होता है, ये मॉडल एनालिसिस कहाँ से आया और ये वे फ्रिक्वेंसी और ये सब आने के बाद हम आगे क्या करेंगे, उन सब के बारे में मैं धीरे धीरे वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फेसबुक पे, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को बताइए आने वाले वीडियो सीरीज़ के बारे में, और थैंक यू।